अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों आप देख सकते हो पास्ता, ये पास्ता बॉयल करके रखे हैं हम। हाँ, ये दो पैकेट है, दो पैकेट 500 ग्राम का, 1 किलो बॉयल करके रखे हैं। खाली पानी में डालें, 20 से 25 मिनट इसको बॉयल करने दें। बॉयल हो गया और नूडल्स तो आप जानते हैं, पानी गर्म होने के बाद में थोड़ा ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद में ये डाल के थोड़ा हिलाते रहें और होने के बाद में थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छा से ये कर लें, पानी डाल के उसको हिला लें, है जैसे कि नहीं चिपके। फिर बाद में थोड़ा ऑयल दे के इसको ये कर लें। देखें नूडल्स कैसा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, ये नूडल्स है, नूडल्स बॉयल किया। अब अभी थोड़ा ऑयल डाल के इसको मिक्स करेंगे तो ये नहीं जड़ेगा, ऐसा खुला खुला होएगा। हाँ, और अभी हम आपको दिखाएंगे, हम बॉयल किया रुबियन यानी कि प्रॉन्स, ये प्रॉन्स बॉयल किया, फ्रोजन प्रॉन्स 3 पैकेट 3 किलो बॉयल किया। ये किन किन कामों में लगता है वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। ये प्रॉन्स है, प्रॉन्स बॉयल किया था, वो प्रॉन्स है। ये पास्ता है, अभी 3 प्रॉन्स पास्ता अभी लगाएंगे, आप देखो। ये प्रॉन्स है और ये पास्ता सॉस है। ये पास्ता सॉस का रेसिपी क्या है वो हम फिर बाद में देंगे। हाँ, अभी 3 पास्ता 3 प्रॉन्स पास्ता, आप देखो कैसे बनाते हैं। पहले ऑयल है, बाद में ऑनियन चॉपिंग ऑनियन, कैरेट स्लाइस, कैबेज, उसके बाद में फायर स्लो मीडियम फायर, आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद में ये सेट हो रहा है और करने के बाद में एक कुकिंग क्रीम आप देख सकते हो, कुक कंपनी का कुकिंग लिखा था। एक कुकिंग क्रीम है, एक कुकिंग क्रीम कुक का, हाँ अभी देख सकते हो। ये वाइपिंग क्रीम, ये ओमान है। उसके बाद में ये देखो, एक स्पून इसका रेसिपी जो है, ये पास्ता सॉस का रेसिपी हम आपको दिएगा। ये बना के कैसे हैं वो आप देख के घर में भी बना सकते हैं। वाइपिंग क्रीम भी डाल सकते हो, कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हो। अभी रुबियन जो है एक पोर्शन का 10 पीस यानी कि 3 पोर्शन का 30 पीस आप डाल सकते हो। थोड़ा ज़्यादा दिएगा तो 3 पीस के 9 पीस दे सकते हो, यानी 39 पीस दे सकते हो, मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। और पास्ता जो है थोड़ा टाइट होना चाहिए और इसको आराम से बनाएगा तो अच्छा है, जल्दीबाजी करेगा तो अच्छा नहीं है। पास्ता कभी भी है डिलीशियस फूड है ना, इसलिए अच्छा से आराम से बनाओगे तो अच्छा है। इसको जल्दीबाजी करेगा तो उसमें मसाला बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसको आराम से बनाते हैं। यह है प्रॉन्स पास्ता। अभी आप देख सकते हैं मीडियम फायर,
साल्ट, टेस्ट ऑफ साल्ट, ये शुगर है, शक्कर चीनी, और ये है थोड़ा मात्रा में शुगर, ये है ग्रीन चिल्ली सॉस, चिंग्स का अभी फिलहाल नहीं है, चिंग्स का आप डालोगे तो अच्छा है, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है और थोड़ा सा कलर है, रेड कलर, फूड कलर। अभी इसको देखो, लेकिन इसको क्या करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, सूखा सूखा बनाना है। ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों, आप बना के घर में भी खा सकते हो। पास्ता बॉयल करने का रेसिपी हम दिएगा, बॉयल करने के बाद में ये जो है आपको होम मेड सब कुछ घर में मिल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ पास्ता का सॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा बनाने के लिए, बाकी सब आराम से हो जाएगा। देख सकते हो कितना यम्मी है, कितना क्रीमी है, बहुत अच्छा लगता है। और चीज़ इसमें मोज़रेला चीज़ यूज होता है, वो पास्ता सॉस जो है उसमें हम दिखाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब देखो, अब देख सकते हो, अब देख सकते हो, पास्ता देखे अभी, तीन फ्रेंच पास्ता पूरा बराबर, पूरा ओके। अभी इसको रहा खा के टेस्ट करने के लिए, अभी खा के टेस्ट करके वाह सुपर सुपर सुपर, आप लोग भी ऐसा घर में ट्राई करें और खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।